श्री राम हो। मोदी जी का कृपा है भाई कि आज हम लोग इतना उसी को नरेंद्र मोदी कहते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, इस समय उपस्थित हूँ राधा कृष्ण मंदिर पर और यहाँ पर भव्य दीपकोत्सव मनाया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो अयोध्या में बन करके उसमें श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, स्थापित भी हो गए हैं, सभी लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस समय राधा कृष्ण मंदिर पर और यहाँ पर सीधा प्रसारण अयोध्या से दिखाया जा रहा है। श्री राम जी का मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ से संबोधित कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को संबोधित कर रहे हैं पूरे जनमानस को। बहुत बड़ी एलईडी लगा करके इसका सीधा प्रसारण यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनको दिखाया जा रहा है। अवधपुरी मम पुरी सुहावन और उत्तर दिशि बह सरजू पावन, ये रामचंद्र जी की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम में विराजित श्री रामचंद्र जी का बहुत विशाल मंदिर, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये ऐसा मंदिर है जिसका बखान करने में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है आरएसएस प्रमुख जी का। कर्तव्य का आदेश भी है, प्रधानमंत्री जी ने तब किया, अब हमको भी तब करना है। राम राज्य आने वाला है वो कैसा था, सब नरक रही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब निर्दम्भ धर्म रत कुनि, नर अरु नारी चतुर सब कुनि, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारत वर्ष की संतानें हैं। शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। इस समय दीपोत्सव मना करके सभी लोग यहाँ पर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कहना चाहेंगे जो शब्द नहीं है, कहेंगे क्या, इतना खुशी की बात है कि जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखिए रामचंद्र जी विराजित हो गए हैं अयोध्या में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मोदी जी का कृपा है भाई कि आज हम लोग इतना उत्साह मना रहे हैं जी। मोदी योगी का कृपा है कि जाओ राम मंदिर बना जी, हम लोग इससे बहुत खुश हैं जी जी। क्या क्या हम लोगों को ये सब करने का अवसर मिल रहा है जी जी। देखिए कई पीढ़ियां गुजर गई इसका इंतजार करते करते, लेकिन आज वो अवसर आया है जो कि हम इस दीपोत्सव को मना रहे हैं। दीप जला करके श्री राम का यहाँ पर लिखा गया है जिसको यहाँ पर लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, काफी पांच सौ सालों का जो वेट है वो खत्म हुआ, हिंदुओं के लिए इससे बड़ी गर्व की बात और क्या होगी। आज इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्या कहना चाहेंगे आप, अपना नाम बताओ। मेरा नाम अमन कुमार तिवारी है, मैं रेणुकूट का निवासी हूँ। हमारे 500 बरस बाद राम लला विराजित हुए हैं अयोध्या जी में, तो उसके खुशी में हम लोग ये दिवाली मना रहे हैं, इसलिए हम लोग इस मंदिर को सजा के दिवाली के रूप मनाएंगे और अपने रामलला को विराजित करेंगे जी। आप क्या कह रहे हैं? हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत रामचंद्र जी आए हैं हम लोगों के बीच में जी। हम लोग को बहुत खुशी है इस बात का, बहुत हम लोग के अंदर बहुत उत्साह है इस बात का। कई पीढ़ियां गुजर गई उसका इंतजार करते करते, आज वो समय आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम कहें, ये तो बहुत शुभ की घड़ी है। श्री राम के जयकारों से गूंज उठा ये राधा कृष्ण मंदिर, सभी लोगों ने दीपोत्सव जला करके यहाँ पर मनाया है इस महापर्व को, जो क्या कहना चाहेंगे संजय जी? 500 वर्षों की तपस्या पूरी हुई है हिंदू समाज का जी। इतने बड़े गौरव का दिन है आज, इतने बड़े हर्ष का दिन है कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता जी। जिस समय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है देख के हृदय द्रवित हो गया खुशी के मारे जी। इस तरह की स्थिति उस समय की थी। 1984 से विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन से जुड़ा, 90 से बाल्यकाल में ही हम लोग भी इस संगठन के कार्यकर्ता बन गए और आज का दिन तो गौरवपूर्ण दिन था सनातनियों के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, इस हिंदू समाज के लिए जी। और यह दिन कभी नहीं भूलेगा। 22 जनवरी
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि सनातन की विजय हुई है, इस राष्ट्र की विजय हुई है, हिंदू समाज की विजय हुई है। देखो इस विजय का घोतक है श्री राम मंदिर। आक्रांताओं द्वारा अभी तक जो अत्याचार किए जाते थे उसकी ये पहली पहल है कि हमारा जो श्री राम मंदिर अयोध्या में और उसमें विराजित भगवान श्री राम, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो कहते बहुत आ रहे हैं, अब कहना है कि कन्हैया जी की तैयारी किया जाए, तो राम जी आ गए जी। और कृष्ण जन्मभूमि की एक लाइन गीत भी होगा क्या? हाय अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया, हाय अवध मोरे राम हो, आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, पूरन हुआ सब काम हो, आज बाजे बधैया, आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? जो अपार खुशी आज आई हुई है, श्री रामचंद्र जी विराजित हो गए अयोध्या में। विराजित होने पर जितनों ने अपने बलिदान दिए हैं उनका याद करने का, और आज भारतीय संस्कारों का विजय का स्वर्णिम दिन है। आज जो है इस देश की गरिमामय संस्कृत का उदय होना और इसको स्वर्ण अक्षरों में इस कालखंड को हमेशा लिखा जाएगा, और इसका लिखने वाला व्यक्ति जो अपने आप में एक छाप छोड़ता है उसी को नरेंद्र मोदी कहते हैं जी। बस इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज की तारीख और आज का ये महोत्सव। उजागर होते हैं वो शब्द श्री राम जी के चरणों में, क्या कहना चाहेंगे? आज हम सभी लोगों के जीवन काल का सबसे बड़ा दिन है जी। और जैसा मोदी जी ने कहा कि राम आ गए हैं, तो राम अब आ गए हैं और आज से ही भारतवर्ष का के नए युग की शुरुआत। और निश्चित रूप से जब ताला खुला था तब यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ी थी जी। और जब बाबरी मस्जिद का वो हुआ था तब भी यहाँ की अर्थव्यवस्था ने तेजी दिखाई थी। और अब यह निश्चित रूप से 1000% सत्य है कि अब भारत दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करेगा ही करेगा, कोई भी दुनिया की शक्ति इसको रोक नहीं सकती है। अब रामलला आ गए हैं और अब निश्चित रूप से भारत का वो मान सम्मान पूरा वो पूरे विश्व में एज ए विश्व गुरु प्रतिष्ठित होना ही होना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अपार खुशी लोगों में है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के जीवन का बहुत अमूल्य क्षण है जी। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस क्षण के साक्षी बने हैं सब जी। कितनी पीढ़ियां लगी थी इसके लिए और कितना लगा, लेकिन हम लोग इसके साक्षी बने हैं, ऊपर वाले की असीम कृपा है हम लोग। क्या कहना चाहेंगे मैडम? आज का जो हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा श्री राम जी का उत्सव, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को सौभाग्य मिला है कि हम लोग इस चीज को देख पा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा सुंदरता से सजाया गया है। इस जश्न को बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है और बहुत उत्साह है शहर में, हर जगह हर लोग मनाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। जय श्री राम जी। आप बस जय श्री राम। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पलेश श्रीवास्तव है। आपका? आदित्य तेजस सिंह। देखो सब बच्चे आए हैं इस दीपोत्सव में, मैं चाहूंगा एक कोई लाइन। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है जी, मैं एमपी सीधी जिले से हूँ। तो क्या सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। जय श्री राम। रामचंद्र जी विराजित हो गए अयोध्या में, बहुत ही हर्षोल्लास का समय है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए हर साल आने वाले त्योहार जैसा नहीं है जी। यह युगों में कोई एक दिन आता है ऐसा दिन है हमारे लिए, और हजारों साल तक ये दिन याद रखा जाएगा ऐसा दिन है। और इससे दुनिया को ये भी सीख लेनी चाहिए
कि भारत में कम्युनिटी ऐसी है जो अपने चीजों के लिए एक दिन दो दिन नहीं, एक दो पीढ़ियां नहीं, उसकी हजारों पीढ़ियां चाहे खप जाए मर जाए, चाहे 100-200 साल निकल जाए, हम 500 सालों से लड़ते रहे हैं तब आज ये दिन देख रहे हैं। देखिए जीत जो है सत्यता की होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यम ही भारतम वर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीया जना धन्या, धन्या अस्माकम परंपरा। हम तो इतना ही कहेंगे कि वो दिन दूर नहीं है कि शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे, अब वो समय बहुत जल्द आने वाला है। जय श्री राम। आज 500 सालों से जो हम लोग के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था कि रामलला अपने घर में नहीं है, आज घर में विराज गए हैं और आज से राम राज्य की शुरुआत हो गई है, इसी में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहूंगा जय श्री राम। देखिए सभी लोगों ने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं, सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।